इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे रिलैक्स हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। ये बहुत मैसेज हो रहा है, सर का दर्द चला जाएगा। हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? आप सबको लिए हम इस बार लेके आए हैं एक मजेदार वीडियो, जिसका सिर बहुत दर्द होता है उसके लिए ये वीडियो बनाया है कि अगर वो ये बेल्ट पहनेंगे तो उसका सर दर्द चला जाएगा। तो चलो कैसे बनता है ये बेल्ट देखते हैं। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सर दर्द सराने के लिए ये प्रोजेक्ट काम पे आएगा। तो इस प्रोजेक्ट करने के लिए हमारा चाहिए कुछ इस प्रकार का एक बेल्ट जो रबर से बना हुआ। ये बेल्ट लड़कियों और उसका कमर पे कपड़ा अटने के लिए फिट करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। और वाइब्रेटर जो मोबाइल के अंदर होते हैं, जो मोबाइल वाइब्रेट होता है ना, तो इसकी मदद से वाइब्रेट होता है मोबाइल। तो हम लोग ये वाइब्रेटर मोबाइल सराने की शॉप से खरीद के ले आया है। एक 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 पीस 10 रुपए के पड़ा है। हमारे पास करीब 7 वाइब्रेटर है, सब काम करता है। और एक चाहिए इसको चलाने के लिए एक स्विच, ऑफ और ऑन करने के लिए एक स्विच जो कुछ इस प्रकार से ऑन ऑफ होता है। तो चलिए इसको पहले, इसका जो वायर है इसको पहले छील लेते हैं और इसका अंदर सोल्डरिंग करेंगे कुछ इस प्रकार वायर के साथ। इस प्रकार वायर के साथ इसको हटा देंगे, ये जो वायर है इसको हटा देंगे, उसके बदले ये लगा लेंगे यहाँ पे ये फिट कर देंगे। दो दो वायर लेंगे, एक एक लाल है और हमारा पास ये कुछ कलर, दो कलर का वायर है। तो चलो इसको पहले छील लेते हैं। कैसे छीलना है वो भी बता देता हूँ। जो इसके अंदर देखो कुछ ग्लू सा लगा हुआ है, इसको पहले कोई नुकीला चीज से इसको हटा देंगे। कुछ इस प्रकार से हटाना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। देख सकते हो हम लोग सोल्डरिंग की 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट है। तो सारी की सारी हम लोग को ये जो वाइब्रेटर है उसको सारी की सारी हम लोग ये पॉइंट निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग वीडियो के फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे काज पे, काम पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा जो वाइब्रेटर है उसका सभी हिस्सा आ चुका है। तो हम लोग इस बार इसके वायर के शोल्डर के सहायता से इसको हम लोग जोड़ देंगे और इस बेल्ट में इसको फिट कर देंगे कुछ सेलोटेप के मदद से। इसको लपेट देंगे और इसके अंदर ये फिट हो जाएगा। तो चलिए इसको पावर देने के लिए हमारा पास कुछ आईबॉल का ये हेडफोन का एक डिब्बा है जिसके सहायता से हम लोग इस मोटर को, इस वाइब्रेटर को चलाएंगे। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें से तो सीधा सीधा नहीं चलेगा, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको खुलना पड़ेगा। तो कैसे खुलते हैं, इसको खुलेंगे और इसका भी अंदर एक बैटरी रहता है, क्योंकि जो बैटरी क्या करता है वो जो एयर बैड होता है ना उसको चार्ज करता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन करेंगे यहाँ पे। तो ओपन करने के बाद ये जो सर्किट है इसके नीच पे रहेगा हमारा वो बैटरी, तो उसको निकाल लेंगे और ये जो वाइब्रेटर है पास में पड़ा हुआ है इसको चलाएंगे। तो देख सकते हो इस प्रकार से हम लोग इसको वायरिंग कर दिया है। तो ये जो दो भाग यहाँ पे निकल चुका है, ये दो भाग, इस दो भाग में जाएगा हमारा स्विच और बैटरी, क्योंकि यहाँ पे पार देने के बाद ये जो सारी मोटर है वो कपने लगेगा। तो चलो और एक बात, ये जो वाइब्रेटर है कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर टेप के मदद से हम लोग इसको इस प्रकार से इसको मोड़ देंगे। और ये जो वाइब्रेटर का जो पार्ट है ये हमारा सिर पे जाएगा और जब हमारा सर दर्द चालू होगा वो बालों के अंदर घुस के ये पूरा की पूरा खुपड़ी पे चला जाएगा, खुपड़ी तक, और वाइब्रेट होने लगेगा।
तो इसी प्रकार से ये हमारा जो सर दर्द है ये बिल्कुल सर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको लगाएंगे, तो एक एक करके सबको फिट करना पड़ेगा। तो पहले एक को टेप के मदद से जोड़ देंगे, उसके बाद और एक, उसके बाद और एक, यही करके सबको हम लोग इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। ये जो हिस्सा है ये रबर का बना हुआ है, इसीलिए हम कोई ग्लू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ टेप के मदद से इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ग्लू से चिपकाएंगे तो ये टूट जाएगा, फट जाएगा, ऐसा दिक्कत आएगा। तो इसीलिए टेप का मदद ले रहा हूँ, क्योंकि ये अगर खिसक जाए तो टेप इसको नहीं खिसकने देगा, तो इसीलिए टेप का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो करके एक एक करके हम लोग सारी की सारी यहाँ पे फिट कर देंगे, सारी की सारी यहाँ पे फिट कर देंगे। तो एक एक करके सारी वाइब्रेटर जो है इसको हम लोग इसके अंदर लगा दिया हूँ। तो इस बार इसके बाद में आएगा हमारा जो पावर देने का प्रोसेस। तो पावर देने के लिए हमारे पास कुछ बैटरी है, और ये जो एक स्विच है हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए, चालू और बंद करने के लिए। तो हम लोग पहले इसका एक भाग इसके अंदर दे देंगे, तो एक भाग इसे दे दिया हूं, और बैटरी का एक पान तो एक एक भाग इस पे आएगा और एक भाग इस पे जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट के अलग कर दूंगा। उसके बाद हम लोग पहले जो इसका डिब्बा यूज कर रहे थे हेडफोन का, उसके सहायता से ये नहीं चल पा रहा था, इसीलिए हम लोग क्या करें, उसको उसका जो बैटरी था उसको हम लोग निकाल लिए। उसके बाद ये जो प्लस वाला वायर है इसको सीधा सीधा इसके अंदर, प्लस का भाग इसमें स्विच पे, प्लस स्विच होके इस लाल वाली वायर के साथ चला जाएगा, और हमारा जो माइनस का पॉइंट है वो डायरेक्ट बैटरी से निकलेगा। तो इसीलिए बैटरी से जो माइनस निकल रहा है तो सीधा ही उसको जोड़ देंगे। तो देख सकते हो हमारा जो सर्किट है, सर्किट डायग्राम वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग जब इसको स्विच देंगे तो देख सकते हो किस प्रकार से ये कांप रही है, सारी की सारी किस प्रकार से कांप रही है। तो सोचो जब हम इसको सर पे लगाएंगे तो किस प्रकार से ये कांपेगा, देख रहे हो, इसको भी फैल रहा है, इसको भी फैल रहा है, दे रहा है, इसको देखो किस प्रकार से कांप रहा है। तो चलो इसको, ये जो बैटरी और स्विच है ना, इसका एक जुगाड़ लगाते हैं, इसके अंदर बैठा देते हैं, और स्विच को कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पहले ये जो स्विच है इसको पहले बैटरी के ऊपर कुछ इस प्रकार से टेप के मदद से हम लोग लगा देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो हम लोग बैटरी और स्विच को कुछ इस प्रकार से इसके अंदर इसके चिपकाने के बाद, और एक बार ट्रस्ट टेस्ट कर लेंगे। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साउंड सुनो यार, साउंड सुनो, साउंड सुनो, देख सकते हो यार कितनी बेहतरीन कांप रहा है, कितनी बेहतरीन। तो चलो इसके बाद ये जो बैटरी है इस बैटरी को यहाँ पे चिपकाएंगे इसके ऊपर। तो हमारा जो सर्किट डायग्राम था सारी, तो हम लोग इसके ऊपर जोड़ दिया हूँ। तो इसके बाद इसको चिपकाने के बाद हमारा जो काम है वो हो जाएगा समाप्त। उसके बाद आएगा सिर पे पहनने की बारी। तो देखो
इसके ऊपर आ गया है हमारा बैटरी और स्विच, और इसके नीच वाले हिस्से पे आ गया है हमारा वाइब्रेटर, और इस वाइब्रेटर को हम लोग पहनेंगे हमारा सिर पे। तो चलो पहन के देखते हैं कैसे काम रहा है और कैसे ये काम कर रहा है। अभी जो बैंड बनाया है सिर पे लगाने के लिए, पहनने के लिए, वो बेल्ट हमारा टीम का एक बंदा पहनेगा और बताएगा कैसा ये फील दे रहा है और कैसा इसका क्या है वो रेट बोलता है ना, वो कैसा रेटिंग आता है। चलो पहना के देखते हैं कैसा वो फील करता है। अरे रुको 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 रुको, एक और बात बताना भूल गया। ये जो वाइब्रेटर का पार्ट है ना, ये जो वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर सीधा ही सीधा ये खोपड़ी पे जाना चाहिए, हमारा खोपड़ी के अंदर रहना चाहिए। तो क्योंकि अगर ये कांपेगा तो डायरेक्ट खोपड़ी को हिला देगा, ठीक है। तो चल करते हैं, चल कर रे। वाह, देख सकते हैं आप, बहुत आराम है, बहुत आराम, बहुत आराम। इसका साउंड सुनो यार, साउंड आ रहा है, कुछ मच्छर गुनगुनाने की आवाज आएगा। जो मोबाइल फोन पे वाइब्रेट होता है ना, कुछ उस प्रकार से इसका हेड जो सर है उसको वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका अगर इसका सर दर्द होगा तो इस बेल्ट को पहने वो सर दर्द ठीक कर सकता है। मेरे को नींद आ रहा है। नींद आ रहा है? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आराम, बहुत आराम है, और सीट थोड़ा झिझिना रहा है, बहुत आराम हो रहा है, और मेरे को नींद आ रहा है। खुलो इसको, मैं नींद। ठीक है ठीक है, तो नींद आ रहा है तो इसको पहले बंद कर देंगे, नहीं तो ये सो जाएगा यहाँ पे खड़ा 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 होके सो जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग बनाए हैं इसको बाहर जाके इसको जो भी रास्ता पे मिलेगा उसको पहनाएंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे कैसा वो फील कर रहा है। तो चलो, इसीलिए कोई तो मिला नहीं, तो चलो दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगा। चलो एक बंदा दुकान पे बैठा है, देख रहा है, तो चलो उसको पहनाते हैं और देखते हैं वो क्या बताता है। तो चलो तो ये जो बंदा है इसको पहनाते हैं, और ये बिल्कुल बारे में कोई पता नहीं है इसको, तो इसको पहले पहनाते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे रिलैक्स हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। ये बहुत मैसेज हो रहा है, सर का दर्द चला जाएगा, ये अच्छे है, अच्छे है। कैसा फील, कैसा हो रहा है? बहुत अच्छे है। ये कैसे बनाया आपने? आइडिया करके बनाया है इसको। ये बहुत अच्छे है। और एक बंदा धूप से आ रही है, बहुत धूप है, तो चलो उसको पहनाते हैं और देखते हैं तो ये कैसा बताते हैं। तो इसको पहनाते हैं और कैसा लग रहा है? अच्छी है। ओ भाई साहब, अच्छी लग रहा है, उसको बता नहीं पा रहा है मुझसे इतना अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, तो चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग कुछ नया करने की सोचेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे, और हमारा वीडियो को लाइक कर देना है यार।